अगर आप एक ट्रेडर हैं और स्टॉक मार्केट में रेगुलरली अपनी एनालिसिस करते हैं, तो बहुत बार आपने ऐसे स्टॉक्स देखे होंगे जो काफी महीनों तक या फिर काफी हफ्तों तक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करते रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल के ऊपर जाने के बाद वो एक ही महीने के अंदर 20 से 30% का रिटर्न दे देते हैं और उसके बाद उस स्टॉक में एक बहुत फास्ट रैली देखने को मिलती है। तो वो प्राइस लेवल जिसके बाद स्टॉक में एक मोमेंटम गैदर होता है, उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट स्टॉक्स में आप कैसे पहचान सकते हो, और पहचानने के बाद वो कौन सा प्राइस पॉइंट होगा जहां पे आपने एंट्री लेनी है स्टॉक में, और एक एफिशिएंट ट्रेड प्लान बनाना है विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये सारी ही चीजें आज हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रेकआउट एग्जैक्टली होता क्या है, चार्ट्स में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको एक पोटेंशियल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपके साथ स्क्रीन में शेयर किया है HCL टेक का डेली चार्ट। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां से ये स्टॉक ऊपर की साइड गया, ये प्राइस एक्शन क्या था, ये ऊपर गया, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे स्टॉक में एक सेलिंग हमको देखने को मिलती है और स्टॉक प्राइसेस फिर से नीचे की तरफ आ गए। फिर स्टॉक ने थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिया और अगेन स्टॉक ने एक अटेम्प्ट किया कि वो ऊपर जाए, लेकिन हुआ क्या, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके फिर से स्टॉक में एक सेलिंग आ गई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा लेवल है, 1050 का लेवल है। ये कितने बार टेस्ट हो गया है, ये टेस्ट हुआ है टू टाइम्स। बायर्स ने कोशिश की कि ये स्टॉक के प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं, हर बार यहाँ पे सप्लाई आ गई। तो ये जो हमारी लाइन है ना, एक रेजिस्टेंस बन गई है। अब हमारा ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, हमारा ब्रेकआउट होगा 1050 से ऊपर के लेवल पे। तो ब्रेकआउट टर्म हम कब यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब देखते हैं कि स्टॉक के प्राइस एक्शन में एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्हेनेवर दैट रेजिस्टेंस इज टेकन आउट, जब भी वो रेजिस्टेंस टूटेगा उसका मतलब क्या होगा कि जो पर्टिकुलर काउंटर है उसमें बायर्स बढ़ गए हैं, डिमांड बढ़ गई है, इसीलिए वो रेजिस्टेंस टूटा है। तो इसे हम कहते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे जाके ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जब भी कोई स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा होगा और उसके बाद वो सब्सिक्वेंट ब्रेकआउट देता है, तो उसमें उससे पहले हमें एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई देती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड में हम यूज करने वाले हैं VCP पैटर्न, यानी कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। देखिए ये क्या होता है, ये साइडवेज मूवमेंट दर्शाता है, एक ऐसे साइडवेज मूवमेंट दर्शाता है जिसमें जो स्टॉक है वो साइडवेज तो मूव कर रहा है, लेकिन उसके जो अंडरलाइंग एसेंस है वो ये बताता है कि स्टॉक में अभी भी डिमांड है। ये कैसे पता चलता है, देखिए ये ऊपर की साइड तो आपके सेलर्स जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमें मिलते हैं, लेकिन नीचे की साइड आपको हायर लोज देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे कि ये HCL टेक्नोलॉजीज का चार्ट मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, स्टॉक में ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस है 1050 के लेवल पे, एवरी टाइम यहाँ से जा रहा है स्टॉक नीचे आ जा रहा है। अब देखिए लोज कैसे बन रहे हैं, लोज इसका पहला लो यहाँ पे बना 900 के लेवल पे, सेकेंड लो इसने बनाया है यहाँ पे, पहला लो इसका यहाँ पे बना है, दूसरा लो जब इसका बना ये थोड़ा सा हायर था 950 के लेवल पे, जब यहाँ पे तीसरा लो स्टॉक ने बनाया है तो ये 960 या 965 के लेवल पे, मतलब एवरी टाइम द स्टॉक इज मेकिंग अ न्यू लो, इट इज अ हायर लो। VCP पैटर्न को आपने इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसमें हम ये जरूर एसर्टेन करेंगे कि जो भी स्टॉक में हम ब्रेकआउट देख रहे हैं या ब्रेकआउट ट्रेड लेने वाले हैं, क्या उससे पहले स्टॉक ने VCP पैटर्न बनाया है। VCP पैटर्न हमें बेसिकली एक चीज दर्शाता है कि स्टॉक में पहले वोलेटिलिटी ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें धीरे धीरे वोलेटिलिटी कम हो रही है, आप देखेंगे जो कैंडल्स है ना, पहले लंबी लंबी बन रही है, बाद में वो छोटी छोटी बन रही है। छोटी कैंडल्स का मूवमेंट क्या है कि आपकी डेली मूवमेंट कम हो रही है स्टॉक में, और उसके साथ साथ स्टॉक जो एक हायर लोज बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, हायर लोज बनते रहेंगे, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे जाके ब्रेकआउट दे रहा है। तो हायर लोज इन इटसेल्फ ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में रेंज में भी धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। एक बार आपने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब आपने ट्रेड लेना है। अब देखिए, इसमें ट्रेड में बहुत सारी चीजें होते हैं, आपने एंट्री कहाँ पे करनी है, आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और आपने टारगेट कहाँ लेना है। जब भी हम ऐसा कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें VCP पैटर्न बन रहा है, तो हमने उसका लेटेस्ट स्विंग लो देखना है।
सबसे पहला लो स्टॉक ने बनाया था 900 के लेवल पे, फिर थोड़ा ऊपर बनाया, फिर थोड़ा और ऊपर बनाया। तो ये वाला जो लो है ये हमारा लेटेस्ट स्विंग लो है। एंट्री कहाँ पे लेंगे हम? ब्रेकआउट से ऊपर लेंगे, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था। तो ब्रेकआउट से जस्ट ऊपर जब स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करने लगे ना, तो ये 3 4 दिनों में हमने 1055 के लेवल पे अपनी एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे लगाया? इस लेवल पे लगा दिया। देखिए, जब भी आप VCB पैटर्न को ट्रेड करते हैं और स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस, लेट्स से ये 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो आपका जो पहला टारगेट होगा ना वो 40 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाएगा? 1:2 का हो जाएगा। तो आप ट्रेड में एंटर कर जाते हैं और आपका इनिशियल टारगेट जो है वो अचीव हो गया 40 पॉइंट्स का, तो आप अपना जो ये स्टॉप लॉस है ये यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया और आपको लगता है स्टॉक में अभी और मोमेंटम है, स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और स्टॉप लॉस को मूव कर देंगे फर्स्ट टारगेट पे, और हम फिर एम करेंगे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के लिए। ठीक है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब हम 60 पॉइंट्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से कि 40 पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 20 पॉइंट्स के लिए हम एम कर रहे हैं इससे ऊपर। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से अब ऊपर जाता है 20 पॉइंट्स के लिए, तो हम वहां पे टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे है? हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने टारगेट 1 पे है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाए। एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जब भी आप VCB पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट आने से पहले, तो आपने साथ में ये भी देखना है कि क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है उस मूव को। तो आपकी डिमांड कैसे बढ़ती है किसी भी स्टॉक में? जब उसमें ज्यादा से ज्यादा बायर्स होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यूज करेंगे OBV इंडिकेटर। अगर आपका जब ब्रेकआउट हुआ है, आपकी OBV की लाइन राइजिंग है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें आपने ट्रेंड को पहचाना है। OBV हमें बताता है कि स्टॉक में कितना बाइंग प्रेशर है और क्या वो बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। बाइंग प्रेशर का मतलब जितने दिन स्टॉक ऊपर जा रहा है क्या उसमें वॉल्यूम ऐड हुआ था, और जितने दिन स्टॉक नीचे गया यानी कि स्टॉक ने रेड कैंडल्स जो बनाई है उन दिनों में स्टॉक में कितना वॉल्यूम था। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑन अप डेज को हम वॉल्यूम ऑन लो डेज से सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर ये लाइन निकल के आती है। ठीक है, तो अगर आपका नेट वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो ये जो लाइन होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। तो हमने क्या नोटिस करना है कि जब ब्रेकआउट हुआ क्या OBV की लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है? अगर प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और OBV की लाइन भी बढ़ रही है, देन इट इज अ गुड साइन फॉर यू। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्रेकआउट तो हो जाता है लेकिन OBV में हम देखते हैं साइडवेज मूवमेंट है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ पे आपने ये ट्रेड को नहीं लेना है। तो दो चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है, क्या VCB पैटर्न बन रहा है, क्या उसमें हायर लोज बन रहे हैं, क्या एक असेंडिंग लाइन थी, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है विद राइजिंग OBV लाइन, तब आपने वहां पे जाके अपना ट्रेड लेना है विथ मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दूसरा मेथड है ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने का, कि आपने पुलबैक्स को ट्रेड करना है। मतलब कि स्टॉक में अगर एक बार ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद जो पहला सेल ऑफ आता है या पहला रिट्रेसमेंट आता है, उसे हम पुलबैक कहते हैं। देखिए, जब हम पुलबैक्स को ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, तो उसके पीछे हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है या हमारा बिलीफ क्या होता है कि जो पहला ब्रेकआउट आ रहा है ना उसे आने दीजिए। फर्स्ट ब्रेकआउट फ्रॉम द VCP पैटर्न वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट आया, हमने इसको आने दिया। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होगा, तो जो आपके स्टॉक के प्राइसेस हैं ब्रेकआउट देने के बाद, ये दोबारा से रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आके ट्रेड करने लगेंगे। ठीक है, पुलबैक हम किसे कहते हैं कि वंस द स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट, वो थोड़ा सा नीचे आता है। ये क्यों आ रहा है नीचे? क्योंकि जिन बायर्स ने यहाँ पे कहीं स्टॉक को बाय किया था या ब्रेकआउट के लेवल पे बाय किया था, वो अपना टारगेट अचीव होने पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यहाँ तक ये स्टॉक जो नीचे आया, इसे हम कहते हैं पुल बैक। नाउ पुल बैक में हमने नोटिस करना है कि किस तरीके का प्राइस एक्शन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टॉक ने रेड कैंडल्स बनाई, यहाँ पे एक पुल बैक दिया। नाउ नीचे के लेवल पे जब आके कैंडल्स आपकी एक साइडवेज मूवमेंट दे रही है ना, तो इस यहाँ पे हमने थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए एज अ बायर। साइडवेज मूवमेंट का मतलब क्या है कि स्टॉक ने यहाँ पे जाके एक बेस बना रहा है, एक कंसोलिडेशन दे रहा है स्टॉक। हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो कैंडल स्टिक्स बन रही है ना नीचे के लेवल पे पुल बैक पे, ये किस टाइप की क्लोजिंग दे रही है। जिस दिन ये कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस हाई से ऊपर हो जाएगी, उस दिन हम वहां पे बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? देखिए, यहाँ पे जो क्लोजिंग है प्रीवियस हाई से ऊपर है, नहीं है। यहाँ पे जो क्लोजिंग है प्रीवियस हाई से ऊपर है, यस, यहाँ पे ये क्लोजिंग प्रीवियस हाई से
से ऊपर है, तो यहाँ पे कहीं जाके मेरा बाय पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस हम वहां लगाएंगे जो पुल बैक का लोएस्ट लो है ना, वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप देखेंगे जनरली जो पुल बैक होता है वो जो रेजिस्टेंस लाइन हमारी थी जो कि अब एक सपोर्ट बन गई है, लगभग उस लेवल तक जाते हैं। हो सकता है उस लेवल तक जाए या हो सकता है ना भी जाए, इस केस में आप देख रहे हैं लगभग उस लेवल को स्टॉप ने यहाँ पे टच किया, तो ये वो पॉइंट होगा जहां मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा जो कि एक सपोर्ट लेवल की तरफ भी काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टॉप में एंट्री ले लेंगे। अगेन जो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, हमारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे रखेंगे 1:2 का। मान लीजिए ये 10 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो 20 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा इनिशियल। एक बार हमारा इनिशियल टारगेट जब अचीव हो जाए तो हम उसको बना देंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। हमारा टारगेट वन हमारा क्या बन जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। और हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के लिए फिर एम करेंगे, जैसे कि हमने मेथड वन में देखा था जब हमने वीसीबी पैटर्न के फर्स्ट ब्रेकआउट को ट्रेड किया था, तो उसमें भी हमने ऐसा किया था कि जो पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ था उसको हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना दिया था, ठीक है। क्योंकि देखिए जब स्टॉक में बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है तो ये आप पहले से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 40 पॉइंट्स मूव करेगा या 20 पॉइंट्स मूव करेगा। इसलिए एज अ टेक्निकल ट्रेडर और एज अ मोमेंटम ट्रेडर वी हैव टू कीप मूविंग द स्टॉप लॉस सो दैट जो आपका प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट हो। ऑल्सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जैसे मेथड वन में देखा था हम ओबीवी यानी कि वॉल्यूम के ऊपर अच्छी नजर रखेंगे। हमने देखना है कि जब ये पुल बैक खत्म हुआ उसके बाद जो वॉल्यूम की हमारी लाइन है ओबीवी इंडिकेटर की लाइन है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या इसमें एक अपवर्ड स्लोप हमें देखने को मिल रहा है या फिर ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है या फिर साइडवेज स्लोपिंग है। अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो या साइडवेज हो तो हम शायद इस एंट्री को नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमें दिखाई दे रहा है कि जब पुल बैक में एक ऊपर की साइड स्टॉक की मूवमेंट आए और ये ओबीवी की लाइन भी अपवर्ड स्लोपिंग है तो हम यहाँ पे वो चांस लेंगे, वो ट्रेड को हम लेके देखेंगे कि किस तरीके से वो अनफोल्ड हो रहा है। थर्ड मेथड में हम देखेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद क्या स्टॉक कोई कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। कंसोलिडेशन क्या होता है, देखिए कंसोलिडेशन एक बहुत ही टाइट रेंज ऑफ स्टॉक होती है जिसमें स्टॉक जो है कुछ दिनों तक एक पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट में ट्रेड करता है। ये हमें बताता है कि यहाँ पे स्टॉक में डिमांड और सप्लाई बहुत ज्यादा टाइट है और सूनर और लेटर यहाँ से अभी स्टॉक ऊपर की साइड मूव करने वाले हैं या फिर नीचे की साइड मूव करने वाले हैं, ठीक है। कैसे दिखता है चार्ट में, देखिए ये एक वीसीपी पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मेथड वन के अंतर्गत हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। अब इस स्टॉक में आप अगर थोड़ा जूम इन करके देखेंगे इस स्टॉक में हमें कोई पुल बैक आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखने पड़ रहा है, ये जो है ये पुल बैक नहीं है, ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। अगर ये वाला टाइम एरिया आप देखेंगे ना यहाँ पे जो लोज ऑफ द कैंडलस्टिक है वो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है, जो स्टॉक है वो एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है कुछ 8-10 दिनों तक। तो हमने ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है आफ्टर द ब्रेकआउट। ये हमें दर्शाता है कि स्टॉक यहाँ पे रुका तो है लेकिन हो सकता है ये जो ब्रेकआउट आया था एक बुलिश मोमेंटम स्टॉक ने गैदर किया था ये अभी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमारा फेवरेबल पार्ट क्या है कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे वो बहुत ही हमारे फेवर में वर्क करेगा। हमारा रिस्क देखिए अगर आप इस लेवल पे एंट्री लेते हैं तो सिर्फ 5-6 पॉइंट्स का आपका यहाँ का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये हमें बताता है कि इससे नीचे अगर स्टॉक प्राइसेस जाने लगे ये इसका मतलब ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न है ये फेल हो चुका है। तो यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा रिस्क लेके हम यहाँ पे स्टॉक में एंट्री करेंगे और अगेन इसको पकड़ के रखेंगे, कितना रहेगा हमारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रहेगा। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने मेथड वन और मेथड टू में अपने रिस्क रिवॉर्ड को 1:2 से स्टार्ट करके 1:3 तक ले गए थे फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वैसे ही हमने यहाँ पे भी ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने 3 मेथड यहाँ पे पढ़े हैं। फर्स्ट हमारा था कि हमने एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है जो कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और वीसीपी पैटर्न बना रहा है, आपने वॉल्यूम को मिस नहीं करना है, ओबीवी लाइन जो है आपकी राइजिंग होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट जो होगा सबसे पहला वहां पे ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्विंग लो पे। दूसरे मेथड में हमने पढ़ा कि हम जो ब्रेकआउट है उसको आने देंगे, ओबीवी पे नजर रखेंगे और जब स्टॉक में पुल बैक आएगा तो वहां पे हम पुल बैक को आइडेंटिफाई करके स्टॉप लॉस लगाएंगे उसके स्विंग लो पे और वहां पे जाके हम एक 1:2 का ट्रेड लेंगे। थर्ड पैटर्न में हमने पढ़ा यानी कि इस पैटर्न में कि अगर किसी स्टॉक में डिमांड बहुत ज्यादा है तो हो सकता है वहां पे पुल बैक आपको देखने को ही ना मिले लेकिन कंसोलिडेशन हो सकता है। कंसोलिडेशन अगेन हमें मौका देता है एक बहुत ही फेवरेबल ट्रेड लेने का, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे लोज ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न पे या फिर कंसोलिडेशन रेंज के लोज पे और अगेन हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा इनिशियल वो 1:2 का रहेगा। तो इस तरीके से वीसीपी पैटर्न पुल बैक्स और कंसोलिडेशन को यूज करके हमने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेके अपनी ट्रेडिंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने इनपुट जरूर देके बताइएगा कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.